अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कामरान किचन में हम आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। और आज की रेसिपी है कद्दू की सब्ज़ी। माफ़ कीजिएगा। और 3000 ये टमाटर है, इसकी हमने खाल उतार दी है और इसके अब बीज भी हम निकालेंगे। 2 अदद दरमियानी साइज़ इसके प्याज है स्लाइस किए हुए, और ये कद्दू है इसको हम शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें हम अचार गोश्त का मसाला डालेंगे। दो टेबल स्पून ऑयल है, इसमें हमने प्याज शामिल कर दिया है और इसको हम ब्राउन करेंगे। इसके बाद टमाटर शामिल करेंगे, लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, उसका पेस्ट बना के टमाटर प्याज लहसुन का पेस्ट बना के फिर हम कद्दू को शामिल करेंगे। फिलहाल हम तेल आंच पे पकाएंगे प्याज को और जब गोल्डन होना शुरू हो जाए इसको दरमियानी आंच पे लेके आना है। चम्मच को मुसलसल हिलाना है। फिलहाल देख लीजिए प्याज को गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर रहे हैं। और इसमें पानी हम शामिल नहीं करेंगे, टमाटर का पानी, प्याज का पानी और कद्दू का पानी इससे हम पकाएंगे। टमाटर को बिल्कुल बनाना है, पेस्ट बनाना है। चलिए नाज़रीन देख लीजिए टमाटर का पेस्ट बन चुका है। इसमें अभी हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मसाला शामिल करेंगे। वन टी स्पून इसको भी मिक्स करेंगे। और लौकी शामिल कर देंगे, कद्दू सॉरी। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत कलर आई है सब्जी पे, कद्दू की सब्जी पे। और इसमें हम थोड़ी सी कलौजी शामिल करेंगे। और कलौजी सुना तो नबी भी है, इसको हर चीज में हर खाने में थोड़ा बहुत डाल दिया करें, आपकी सेहत का ख्याल रखेगी इंशाल्लाह।
आधा टीस्पून डाल रहा हूँ, और तीन अदर हरी मिर्ची डाल रहा हूँ। ये लीजिए नाज़रीन, सब्जी तैयार हो चुकी है और इसको हम प्लेट में सर्व कर रहे हैं। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये रेडी है। और कद्दू है, तूरी है, टीना है, लौकी है, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को सब्जी खाने की आदत डालें। सब्जी में सेहत है, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त बीमारी है, और आजकल तो मुर्गी में भी बीमारी आ रही है। फिश ज़्यादा खाइए, लीजिए नाज़रीन, लौकी की सब्जी तैयार हो चुकी है, और सारी कद्दू की, और बहुत डिलीशियस और टेस्टी खुशबू आ रही है, और नज़र भी बहुत प्यारा आ रहा है। दुआ में याद रखिएगा, पेज को लाइक लगाएं, सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक कीजिए, फीडबैक दें, घर में बनाइए, खुद भी खाइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी खिलाइए, और हमें फीडबैक दें कि कैसी ये रेसिपी थी और कैसे ये चीज़ बनी है। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।